जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाभी जी, मैं हमेशा से बोलता था कि दोपहर 2 बजे आऊंगा, सो मैं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 1:30 बजे आऊंगा। तो अब से मुलाकात दोपहर 1:30 बजे होगी। क्यों भाभी, शौक लग गया ना? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और अब बात उत्तराखंड की। यहाँ बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की सूझबूझ के चलते 51 स्कूली बच्चों की जान बच गई। दरअसल भारी बारिश के पानी के साथ आए मलबे में स्कूल की पुरानी इमारत को तबाह कर दिया गया। बड़े बड़े पत्थर स्कूल की दीवार को तोड़ते हुए परिसर में घुस गए। हालांकि भारी बारिश को देखते हुए कुछ देर पहले ही स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। स्कूल प्रबंधन के फैसले के चलते 51 बच्चों और 2 शिक्षकों की जिंदगी बच गई। मलबे के चलते स्कूल भवन के टूटने के बाद आनन फानन में स्कूल के बच्चों को गांव के ही दूसरे सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि स्कूल टीचर और ग्राम प्रधान बार बार इस स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे, हालांकि अधिकारियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी जिले में 2012 में ऐसे ही एक हादसे में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं IPN 7 पर। हमें ANM सेंटर में शिफ्ट किया गया है। ANM सेंटर में रूम तो 2 ही हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। मेरे ख्याल से 8x8 के हैं। 51 बच्चों का वहाँ पर बैठ पाना बहुत ही असंभव काम है, फिर भी उनको किसी तरह से हमने एडजस्ट करके वहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश की यहाँ पर परेशानी रहती है, लोकल बारिश भी होती है, मानसून सीजन भी है, जिस कारण से हम बरामदे में या अन्यत्र भी हम अपनी क्लासेस संचालित नहीं कर पाते हैं। एक कक्ष में हमने कक्षा 1, 2, 3 और एक दूसरे कक्ष में 4, 5 हमने बिठाई हुई है। लगातार इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए कहते रहा हूँ। 75-76 का बना हुआ है, इसकी लकड़ी पूरी सड़ गई है और दीवारें अपने आप ही गिर जा रही हैं और छत चादरें सड़ गई है, लकड़ी सड़ गई है। यहाँ पर मुझे पूरी आशंका इस बात की है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर दब सकता है। मैंने अपने जो यहाँ पर गुरुजी लोग हैं उनसे भी निवेदन कहा कि आप लोग जो है यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाइए।